प्रेम पक्का कर लिया। अभी किसी से है क्या राग द्वेष? राग द्वेष किसी से है क्या? प्रेम माना राग नहीं। अभी इसने पूछा ना कि द्वेष छोड़ दें तो फिर क्या मोह करें? मोह अलग चीज होती है और प्यार अलग चीज होती है। कई लोग बोलते हैं हमारा द्वेष नहीं है तो फिर राग है। राग माना मोह, आसक्ति। ज्ञानी की आसक्ति भी नहीं है किसी से और किसी से द्वेष भी नहीं है। ऐसे अपनी आंख बंद करके विचार करके देखो भाई किसके साथ तुम्हारा अंदर में कोई नफरत का भाव आता है या द्वेष का भाव आता है। कोई बुरा चला, किसी ने तुम्हारे साथ कोई अत्याचार किया, कोई जुल्म किया, कोई गाली दिया, कोई अपमान किया, तो उसको देख करके तुमको क्या भाव उत्पन्न होता है? ये कई लोग बोलते हैं अरे इसकी तुम्हें शक्ल ही नहीं अच्छी लगती है, ये व्यक्ति तो मेरे को पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसके कोई ना कोई अवगुण हमारे दिमाग में भरे रहते हैं। उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो चोर है, वो खराब है, तो उसके लिए अंदर में द्वेष का भाव आ जाना कई जगह स्वाभाविक सा हो जाता है। सास अच्छी नहीं लगती है, आदमी अच्छा नहीं लगता है, किसी की पत्नी अच्छी नहीं लगती हो तो काराम जैसी होती है, सबके ऊपर डंडा मार दे, फिर भी अंदर में उसने प्यार से ही बोला कोई बात नहीं। एक गन्ने के वैसे ही दो टुकड़े करने थे, आधा तेरे को खाना था आधा मेरे को खाना था। तो कोई ऐसा भी व्यक्ति तुम्हें मिले तो क्या तुम उसके साथ प्रेम का भाव रख सकते? मन के अंदर देखो, कोई द्वेष की लकीर नहीं आनी चाहिए। कैसा भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आ, अच्छे से तो प्यार सब करते, गुरु से भी प्यार करते, सत्संग वालों से भी प्यार करते, ये अच्छे है ये सब, लेकिन जहां मन मुटाव है, जहां घर में कोई तुम्हारे से उल्टे चलते हैं, वैर विरोध करते हैं, तुम अपना प्रेम का पाठ पक्का करो। तुम्हारे मन में आता है कि भाई हम जिसको प्यार करते हैं वो हमको करता है या नहीं करता? यहाँ गुरु के लिए भी संशय आ जाता है, गुरु भी पता नहीं हमको पहचानता है कि नहीं पहचानता, मालूम नहीं करता है या नहीं करता, यहाँ आके हम सिक्योर है या नहीं है। सिक्योरिटी किस चीज की चाहिए? सिक्योर तो तुम कहीं भी नहीं है शरीर से। कितना भी कोई अमीर है, पहरेदार घर पे हैं, सब कुछ है, चौकीदार है, काल से तो कोई नहीं बचा सकता। कौन सी सिक्योरिटी चाहिए? मर्द सिक्योरिटी करता है तुम्हारी। जो लड़की शादी करती है वो समझती है भाई मेरी अभी सिक्योरिटी हो गई, वो अपने को इनसिक्योर नहीं फील करती है, कहती मेरे ये मेरे साथ है ना। खाली वो दूसरे डिब्बे में बोला मैं बैठा हूं तो भी खुश थी, मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो लेडीज डिब्बे में बैठी हूँ, मेरा आदमी जेंट्स डिब्बे में बैठा, ये है ना मेरे साथ। तो भगवान के लिए ऐसा आता है कि ये है मेरे साथ। कहाँ भी तुम है, जंगल में भी है, अकेले भी है, गाड़ी में भी है, बस में भी है, टैक्सी में अकेले बैठे है, तो ड्राइवर बैठा रहेगा पास में तो बोलेंगे कि ये ड्राइवर खराब तो नहीं होगा, कहीं मेरे को गलत दिशा में तो नहीं लेके जाएगा, कहीं मेरे से बुराई तो नहीं कर लेगा। संशय आ जाता है मन में, शक आ जाता है, तो अपने को तुम सिक्योर फील नहीं करते। पर वहीं पर अगर तुम्हारा आदमी तुम्हारे साथ बैठा है तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कैसा भी है ड्राइवर तो क्या है, ये तो है ना मेरे साथ। तो जैसे एक 5 फुट वाले व्यक्ति पर तुमको भरोसा है, ये मेरे साथ बैठा है तो हम बड़े सेफ हैं, तो परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं बैठा, गुरु को तुमने हृदय में नहीं बिठाया। अगर प्यार है तो प्यार में तो तुमको ऐसा फील होगा कि वो हमेशा हमारे साथ है। अपने
अपने प्यार पर विश्वास है, गुरु मेरे से करता है या नहीं करता है, ये संशय क्यों आता है? क्योंकि मेरा नहीं है प्यार, इसीलिए मेरे को संशय आता है। पर मेरा अगर प्यार पक्का है तो उसका जरूर होगा। चाहे माँ जैखे तू चाहे तो, चाहे माँ तो के चाहे, जिसको तुम चाहते हैं तो ये हो नहीं सकता है कि वो तुमको नहीं चाहे। प्रेम की है ये तार जो इधर सजे और उधर बजे, एक सिरा घंटी से जुड़ा है, एक तुम्हारे हाथ में, ऐसा ऐसा करेंगे तो घंटी बजेगी कि नहीं बजेगी। टेलीफोन नंबर अगर तुम्हारे पास सही है तो डायल करेंगे, उसकी रिंग बजेगी कि नहीं बजेगी? तो तुम्हारी भी रिंग बजेगी। अगर तुम्हें तुम्हारे पास गुरु का मोबाइल नंबर प्रेम का, वो वाला मोबाइल नहीं, प्रेम का मोबाइल नंबर सही है तुम्हारे पास, तो तुम रिंग बजाएंगे तो जरूर बजेगी। तो अपने में तुम्हारा कितना विश्वास है? हम दूसरे से विश्वास पत्र चाहते हैं कि वो हमको प्यार करता है या नहीं करता है। दूसरे का विश्वास पात्र बनने से पहले अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा कितना है, क्योंकि सेल्फ ही तुम्हारे अंग संग रह सकता है। बाहर से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अंग संग नहीं रह सकता है, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो। इवन शरीर भी तुम्हारा जो है वो साथ छोड़ देता है, पांच तत्वों में मिल जाते हैं, इधर का इधर ही पड़ा रह जाता है। तो ये शरीर भी तुम्हारा नश्वर है, जाने वाला है, यही तुम्हारा हमेशा नहीं रहेगा। तो और किसकी क्या गारंटी तुम लेते? कोई गारंटर चाहिए हमें, कोई मेरी गारंटी ले। तुम अपनी आप गारंटी लेते? तुम्हारा स्वाध्याय कितना है? अपने में विश्वास कितना है? मेरा ईश्वर में विश्वास है, मेरा इसमें विश्वास है, मेरा उसमें विश्वास है, लेकिन अपने में विश्वास नहीं है तो किसी में भी विश्वास नहीं। इससे प्रेम है, इससे प्रेम है, इससे प्रेम है, तो फिर किसी से प्रेम नहीं भी होगा। और ज्ञानी का सर्व से प्रेम लगा ललाई क्यों है? क्योंकि सब में अपना आप देखता है। अपने से यदि प्यार नहीं होगा तो औरों से भी नहीं होगा। अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो औरों में भी नहीं होगा। पर अपने में कॉन्फिडेंस है, दूसरे में भी जरूर होगा। सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ डिपेंडेंट, दूसरे का आधार लेके क्यों चलते? लंगड़ा आदमी जो होता है ना, वो बैसाखी का सहारा लेके चलता है। पर जो लंगड़ा नहीं है उसको अगर हम बैसाखी दें तो बोझ लगती है। कंगाल को पैसे की जरूरत पड़ती है, पर शहंशाह को पैसा दे लेगा तुमसे, बोलेगा मैं शहंशाह हूं तुम्हें मालूम नहीं है, तुम किसको दे रहा पैसा? अगर तुमको अपनी शहंशाही पर विश्वास है तो तुम्हें किसके आधार की जरूरत क्या है? बैसाखी की जरूरत क्या है? पाण थी पंजी विंदर, पाण थी पंजो तक्यो, पाण मंझी पाण पस गो तुम दर्शन बंद कर। अपने में ही अपने को देखो, दूसरा दर्शन बंद कर। सावधानी साण पर जो सारे ही चिंतन बंद कर। अपने स्वरूप के अलावा जो कुछ है वो पर है, पर चिंतन, पर का चिंतन बंद कर दो। गुरु की देह से भी प्यार है तो तमोगुणी प्यार है, कृष्ण के देह से प्यार है तो भी तमोगुणी प्यार है, कृष्ण के मूर्ति से प्यार है तो भी तमोगुणी प्यार है। रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी भक्ति, तीन तरह की भक्ति बताई। तमोगुणी भक्ति एक ही स्थान पर, एक ही जगह,
परमात्मा देखना, रजोगुणी किसी में देखना किसी में नहीं देखना, और सत्वगुणी तो सर्व में देखे भगवान। सत्वगुणी सब में अपना अप करके देखता है। ये सारा जगत एक दर्पण है, जैसे तुम दर्पण में देखते हैं तो क्या देखते हैं? नहीं तुम तो ये सब कौन है? जगत सारा दर्पण है, उसमें क्या देखना है? नहीं तुम अब अपने से क्या नफरत करेंगे, अपने से क्या लैज बोध करेंगे? अपने को खाना टाइम पर देते हो, पानी टाइम पर देते हो, नहलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, अच्छी जगह सुलाते हो, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाते हो, अच्छे से अच्छी चीज चूज करते हो। अभी एम्बुलेंस में से तुमको कौन सी चीज लेनी है, कौन सी साड़ी पसंद है, तो अच्छे से अच्छी पसंद करेंगे। लाइक